Dear students, Aslam Alaikum. We are continuing with our work on inventory management system within QuickBooks. You might remember that last time what we did was that we created a bill based on the invoice we received from our vendor. In that invoice, not only the monetary value was given, but also details about the items and the quantities being sent. बेस्ड ऑन दीज आइटम्स विच वी एक्सेप्टिड वी ऑल्सो एक्सेप्टिड द बिल अब जब हमने उसका बिल एक्सेप्ट कर लिया है तो हमने उसको ये बिल अदा करना है अभी ये बिल हमारे पास अकाउंट पेएबल में मौजूद है अब याद रहे कि हमारे पास इस बिल के आने से दो काम हुए थे एक हमारी इन्वेंट्री में इजाफा हुआ था और दूसरा हमारा अकाउंट्स पेएबल बढ़ गया था जिस तरह से हमने अकाउंट्स रिसीवेबल के साथ ये किया था कि जैसे जैसे हमारे पास हमारे क्लाइंट या कस्टमर के चेक्स आते थे हम उनको अकाउंट फॉर करते थे उनको रजिस्टर करते थे और उनको डिपॉज़िट कराते थे यही काम हमारा वेंडर अपने एंड पे कर रहा होता है और जब वो ये काम कर रहा होता है तो हम भी उसको जब भी बिल या चेक देंगे तो हम उस चेक के साथ वो तमाम इन्फॉर्मेशन उसको देनी चाहिए ताकि उसको सहूलत हो और उसे पता चल सके कि हम उसका कौन सा बिल अदा कर रहे हैं कौन सी उसकी इन्वाइस हम पे कर रहे हैं कितनी अमाउंट पे कर रहे हैं ताकि वो अपने पास भी रिकॉर्ड इसका मेंटेन कर सके और इसी तरह हम भी अपने पास ये रिकॉर्ड मेंटेन कर सकेंगे कि हमने उसको उसके कितने बिलों में से कितने पैसे दे दिए और अभी कितने उसके बिल्स हमारे पास पेंडिंग है याद रहे ये पूरा एक साइकिल है जिसमें आप एक वेंडर से चीज़ें लेते हैं और एक कस्टमर को ये चीज़ें बेच देते हैं इस साइकिल को कंप्लीट करने के लिए हमें सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट करना ज़रूरी है और जैसे जैसे हम चीज़ें डॉक्यूमेंट करते जाते हैं हमें ये अंदाज़ा होता जाता है कि ये सिस्टम ऑटोमेटिकली एक दूसरे से लिंक्ड है और ये सारा डेटा जो हम अपने क्विक बुक्स में रख रहे हैं उसकी इफादियत कितनी ज़्यादा है कि हमें इन्वेंट्री काउंट या स्टॉक पोजिशन भी बता रहा है और हमें उसकी वैल्यू भी बता रहा है कि हमारे पास कितना ज़्यादा हमारे स्टोर में इन्वेंट्री या स्टॉक मौजूद है आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारे पास जो इन्वाइस आ गई है जो बिल आ गया है और जो हमने रजिस्टर भी कर लिया है उसको हम पे कैसे करेंगे कैसे ढूंढेंगे उसको तमाम अकाउंट्स पेबल की लिस्ट से आइडेंटिफाई करेंगे उसको सेलेक्ट करेंगे और उसके अगेंस्ट स्पेसिफिकली हम पेमेंट रेस करेंगे तो लेट्स गो ओवर टू क्विक बुक्स जैसे कि आप जानते हैं कि हमने पिछले अपने उसमें लेक्चर में एक बिल बनाया था बेस्ड ऑन आर पी ओ उसको हमने एक्सेप्ट ही कर लिया था उसके अंदर हमने अपने वेंडर की तमाम इन्फॉर्मेशन नोट कर ली थी उसका वेंडर नंबर उसका इन्वाइस नंबर उसके ऊपर जितनी जितनी उसने हमें चीज़ें भेजी हैं उसकी तमाम डिटेल हमारे पास मौजूद थी आज हम उसी बिल को पे करने वाले हैं और पे करने के लिए हमें सबसे पहले ये करना पड़ेगा कि हमें चूज़ करना है कि वो कौन सा वाला बिल है जो हम पे करना चाह रहे हैं अब जैसे ही हम यहाँ आके अपने पे बिल्स को क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक लंबी लिस्ट आ जाती है तमाम अनपेड बिल्स की लेकिन हमने तो वो वाला बिल ढूँढना है जो कि हमारे एक ख़ास वेंडर का है हमारे पास उस ख़ास वेंडर का बिल ढूँढने के बहुत सारे तरीक़े हैं आप फिल्टर कर दें उस वेंडर के नाम से तो सिर्फ़ उस वेंडर के बिल्स आपको नज़र आने लगेंगे आपको याद होगा कि ये हमारा सीमेंट का सप्लायर था और जैसे ही हमने उसे सेलेक्ट किया उसके दो बिल्स हमारे सामने आ गए हैं लेकिन आपको ये भी याद होगा कि हमने जो हमारा ये सप्लायर था उसकी बिल के ऊपर हमने उसके इनवॉइस का रेफरेंस नंबर भी दिया हुआ था और वो रेफरेंस नंबर वन टू थ्री फोर फाइव था और अगर आपको उसकी वैल्यू भी याद हो तो यही वो अमाउंट थी जो हमने उसे देनी थी इसके अलावा जो चीज़ें हम देख सकते हैं उसमें यह है कि उसकी शॉर्टिंग आप किस तरह से करवाना चाहते हैं हमारे पास ये सारे ऑप्शन मौजूद हैं जिसके ऊपर आप ये पूरी लिस्ट जो अगर बहुत लंबी हो तो आपको आसानी हो जाती है देखने में इसमें से किसी भी एक फील्ड के ऊपर आप इसको शॉर्ट करा सकते हैं इसके अलावा यहाँ आप ड्यू ऑन और बिफोर वाला कॉलम भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें ही आप राइट right डेट सेलेक्ट करेंगे क्योंकि आपको याद होगा कि हमारे पास जो पेमेंट टर्म्स थी वो नेट 15 डेज है तो आपके पास राइट डेट सेलेक्ट करने से भी वो पर्टिकुलर एक जो बिल हमने अपने पास लास्ट टाइम स्टोर किया था वो आ जाएगा तो बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग इज़ आपने ये देखना है कि ये इंफॉर्मेशन हमें किस तरीके से ढूंढनी है वेंटर वाइज ढूंढनी है आपने डेट वाइज ढूंढनी है जिस तरह से सेलेक्ट करके ढूंढनी है ये डिपेंड करता है आप पे जैसे ही आप यहाँ आएंगे जो लिस्ट आपको नजर आएगी दैट इज़ गोइंग टू बी ए आर प्रेजेंट इन योर सिस्टम एंड विच नीड टू बी पेड ये तमाम वो बिल हैं जो हमने पे करने हैं लेकिन हमने सारे नहीं करने हमने एक पर्टिकुलर वेंडर का करना है तो अगर पर्टिकुलर वेंडर का करना है तो हम इसे फिल्टर करके सेलेक्ट कर लेंगे उसे हमने फर्दर शॉर्ट इस तरह से किया कि हमने उसकी ड्यू डेट जो हमें याद थी उसके ऊपर भी हमने उसको फ़िल्टर कर दिया है अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ़ एक बिल नज़र आ रहा है जो कि हमने लास्ट टाइम बनाया था और उसमें रेफ़रेंस नंबर भी दिया हुआ था और उसकी सारी डिटेल दी हुई थी अगर हमने ये बिल पे करना है तो हमने सिर्फ और सिर्फ इसको सेलेक्ट करना है टिक मार्क करके अब याद रहे कि ये जो बिल हमारा बन गया है इसको हमने चेक की शुरू में इस वेंडर को इशू करना है लेकिन इससे नीचे भी आप चीज़ें देख लें ताकि आपको पता चल जाए कि चेक कैसे बनता है याद रहे ये सिस्टम जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं क्विक बुक्स ये एक अमेरिकन सिस्टम है तो यहाँ पेमेंट का तरीका चेक जो लिखा हुआ है वो ज़रा ब्रिटिश से फ़र्क है जिसकी स्पेलिंग फ़र्क होती है सी एच ई क्यू यू ई लेकिन यहाँ वो सी एच ई सी के लिखते हैं जिसका मतलब वही चेक है जो हम पेन से काट के देते हैं इसके बाद इसकी डेट आ जाएगी मेथड आ जाएगा और अगर आपने अकाउंट में अपने बैंक का अकाउंट रजिस्टर किया हुआ है तो और एक से ज़्यादा किए हुए हैं तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप अपना उस बैंक का अकाउंट चूज़ कर लें हमने क्योंकि बैंक के अकाउंट का नाम चेकिंग रखा हुआ है इसलिए हम यहाँ चेकिंग ही रखेंगे अगर आपके पास एक से ज़्यादा अकाउंट होते और आप एक में कलेक्शन कर रहे होते और एक से पेमेंट कर रहे होते तो यहाँ आपने एक ना एक वो वाला अकाउंट चूज़ करना था जिससे आपने पेमेंट्स करनी इसमें आप चीज़ें रिसीड करते हैं सेल प्रोसीड वो हो सकता है आपका कोई दूसरा अकाउंट हो इसके अलावा यहाँ अगर आपके पास पुराना कोई क्रेडिट होता तो वो भी आप एडजस्ट कर सकते थे लेकिन ये चीज़ें जो ऊपर दी गई हैं ये अगले आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे इस वक्त हमारी कॉन्सनट्रेशन है ऊपर वाले पार्ट के जो कि हमें सेलेक्ट करने में आसानी करती है फिल्टर करने में वेंडर सिलेक्शन में और पिन पॉइंट करती है वो वाला बिल जो हमने पे करना है और नीचे वाला पार्ट जो हमें पेमेंट का तरीका हमसे पूछता है कि आपने पेमेंट करनी किस तरह से जब आपने ये सारी चीज़ें सेलेक्ट कर ली तो आपने कहना है पे सिलेक्टेड बिल आपने जैसे ही ये बटन दबाया तो हमारे पास पेमेंट समरी आ गई जिसमें उसकी अमाउंट आ गई आपका जो अकाउंट है वो आ गया मेथड आ गया चेक के थ्रू हम कर रहे हैं अच्छा नीचे वो ये कह रहा है पे मोर बिल्स पे मोर बिल्स का मतलब यह है कि एकदम से हमें ख्याल आया कि हमने इसके अलावा भी और बिल देने हैं तो अगर आपने इसको क्लिक किया तो आप वापस चले जाएंगे यानी हमने एक से ज़्यादा अगर बिल देने हैं तो हम वापस भी जा सकते हैं लेकिन इन दिस केस वाट वी आर डूइंग इज़ वी आर पेइंग ओनली वन बिल हमने अपना यही बिल इसको देना है प्रिंट चेक बाहर के ममालिक में यह होता है कि चेक प्रिंटिंग की एक सहूलत मौजूद होती है उनके पास ब्लैंक चेक्स मौजूद होते हैं और वो अपने प्रिंटर में लगा के ये चीज़ प्रिंट कर लेते हैं और सही तरीके से सेट किया हुआ होता है तो ये एक काम है जो कि बाहर आम तौर किया जाता है जब आपने प्रिंट चेक्स किया तो उसके पास एक लिस्ट आ गई कि कौन सा चेक प्रिंट करना है हमने कोई और चेक प्रिंट नहीं करना हमने सिर्फ एक चेक प्रिंट करना है जो कि नौ लाख रुपये का है और जो हम सीमेंट सप्लायर को देना चाह रहे हैं इसके साथ साथ आप अपना बैंक अकाउंट अभी भी चेंज कर सकते हैं लेकिन क्योंकि हमारे पास बैंक पेमेंट के लिए चेकिंग अकाउंट है इसलिए हमने वही चूज़ करना है मैंने आपको पहले ही बताया था आपने बैंक अकाउंट वो चूज़ करना है जिसके लिए ये चेक बन रहा है इसी तरह से आपके पास चेक नंबर ऑटोमेटिकली पिछला चेक नंबर प्लस वन यहाँ आ जाया करेगा अगर इससे फ़र्क है तो यू कैन ऑलवेज पुट इन द राइट और द करेक्ट चेक नंबर ये वो चेक नंबर है जो आपके पास वहाँ प्रिंट होगा नेक्स्ट स्टेप जब आपने ये सारी चीज़ें सेलेक्ट कर ली हमने सिर्फ एक चेक पे करना है जो नौ लाख रुपए का था बेस्ड ऑन द बिल विच वी प्रोसीडेड एंड कंप्लीटेड इधर वो आपको बता रहा है कि ये जो आपने ये चेक बना रहे हैं इसके मुख्तलिफ चेकबुक्स की स्टाइल हमें वहाँ बने बनाए मिलते हैं ये कागज़ जिस तरीके से चाहे वाउचर टाइप स्टैंडर्ड टाइप वैलड टाइप ये तमाम चीजें आपके पास वहाँ अवेलेबल होती है आपने उस टाइप के चेक लगाना है और सिलेक्शन भी वही करनी है जब आप ये काम कर दें इस वक्त हमारे पास क्योंकि स्टूडियो में कोई भी ड्राइवर नहीं है तो ये एक डिफ़ॉल्ट ड्राइवर के पास चला गया है ये आपके पास आखिरी जो स्क्रीन आएगी ये हमेशा आएगी प्रिंट चेकिंग के वक्त याद रहे किसी भी वजह से प्रिंट हमारा ख़राब हो सकता है टेढ़ा हो गया या क्रम्बल हो गया जब भी इस तरह की कोई चीज़ हो जाए तो ये हमसे एहतियातन सिस्टम दोबारा पूछेगा इफ़ योर चेक प्रिंटेड करेक्टली क्लिक ओके अगर सही हो गया है तो ओके okay कर दें नहीं तो आप यहाँ इसे चेक मार्क करके दोबारा से प्रिंट कर लें और ये प्रोविज़न इसके पास है जब तक आप ये नहीं कहते कि हमारा सेटिस्फैक्ट्रीली चेक प्रिंट हो गया है यह आपसे बार बार ये सवाल करता रहेगा कि क्या आपका चेक सही प्रिंट हो गया क्योंकि आम तौर पर यह होता है कि किसी भी वजह से आपके पास प्रिंटर में आपने कागज डाला उसकी ओरिएंटेशन सही नहीं थी वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया या अंदर कहीं अटक गया तो ये इंश्योर करता है क्योंकि ये बड़ी अहम चीज़ है कि ये चीज़ सही तरीके से प्रिंट हो जाए तो फिर मैं आगे जाऊंगा। अगर आपका प्रिंट हो गया है तो आपने ये टिक नहीं करना ये टिक सिर्फ उस वक्त करना है जब री प्रिंट कराना टिक नहीं करना इसका मतलब है आपका जो चेक था सही प्रिंट हो गया है और आपने तब है ओके okay. जैसे ही आप ये काम करेंगे ये पूरा प्रोसेस आपका इन्वेंट्री का फ्रॉम ऑर्डरिंग इंस्पेक्शन एंड रिसीट इंक्रीज इन इन्वेंट्री इंक्रीज इन अकाउंट पेबल एंड रिकॉर्डिंग द बिल मेकिंग अ चेक प्रिंटिंग द चेक एंड प्रोसेसिंग द पेमेंट यह तमाम प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा अब आपने देखा कि हमने किस तरीके से बिल को रिकॉर्ड किया जिससे हमारी इन्वेंट्री और हमारा एसेट इसके साथ साथ हमारा अकाउंट्स पेबल तमाम अफेक्ट हुए जब ये सारा काम हमने कर लिया तो उसके बाद हमने इस बिल को प्रोसेस करके इसको पे किया पे करने के लिए हमने एक चेक बनाया और चेक को भी हमने प्रिंट कर दिया और यकीन हम जब ये चीज़ प्रिंट कर देंगे तो हमको इस इसको साइन स्टैम्प करके हम अपने वेंडर को रसाल कर देंगे ये पूरा प्रोसेस हमारी इन्वेंट्री मैनेजमेंट को कंट्रोल कर रहा है जैसे जैसे हम अपने वेंडर्स के बिल अदा करते जाएँगे उसी तरह से हमारी अकाउंट्स पेबल कम होता जाएगा इन्वेंट्री पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा याद रखें कि इन्वेंट्री पे फ़र्क उस वक्त पड़ेगा जब हम कोई चीज़ सेल करेंगे और अपने कस्टमर को इन्वाइस करेंगे इसलिए इन्वेंट्री हमेशा इंक्रीज़ होगी जब भी हम कोई चीज़ अपनी इन्वेंट्री में डालेंगे अकाउंट्स पेबल भी खड़ा होगा जब भी हम कोई चीज़ अपने पास रिसीव करेंगे कोई भी मटीरियल लेकिन अकाउंट रिसीवेबल तो हम पे ऑफ़ करके डिक्रीज कर देंगे इन्वेंट्री इस पे ऑफ से डिक्रीज नहीं होगी इन्वेंट्री डिक्रीज होगी आफ्टर सेलिंग सो होप यू अंडरस्टुड दिस पार्ट ऑफ क्विक बुक्स रिगार्डिंग इन्वेंट्री मैनेजमेंट थैंक यू